लालबाग बोटनिकल गार्डन में है दोस्तों, और ये गार्डन करीब 200 साल पुराना है। इसकी स्थापना टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली ने की थी। उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिश रूल आया, तो जो सुपरिंटेंडेंट्स उस वक्त बेंगलुरु के हुआ करते थे, उन्होंने फिर इस बोटनिकल गार्डन को संभाला, इसका मैनेजमेंट किया और इसको और ज़्यादा डेवलप किया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी नर्सरी है जो हमारे देश में पेड़ पौधों के ऊपर प्रैक्टिकल रिसर्च जहाँ होता है। यहाँ पे अलग अलग बहुत पुराने पौधे आपको देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इस पार्क को पूरा घूम के दिखाऊँगा और यहाँ का एम्बियंस आप देखिएगा, बहुत हरियाली है। आप जब भी बेंगलुरु आएँ तो ज़रूर इस पार्क की विज़िट करें। यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है कैमरे से, लेकिन मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं इस पार्क को पूरा घूम के। ये देखिए बांस के बंबू के पेड़। Feeding of dogs, pigeons and other birds is prohibited, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी विजिटर्स आते हैं, तो पक्षियों को बाहर का खाना अलाउड नहीं है। देखिए सामने एक पेड़ के तने को ऊपर से काटा गया है और इसको एक तरह से स्कल्पचर का रूप दिया गया है।
का एम्बियंस आपको बरबस खींचता है फ्रेंड्स। पक्षियों की आवाज़ें, हरियाली, पेड़ पौधों की जो पॉजिटिव वाइब्स, आपको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे।